हेलो माय डियर टू फैमिली, हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज दिन है तो हमने सोचा कि लाइए ये अलमारियाँ जो हैं इनमें बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, बर्तन लगा के रखती हैं मम्मी भाभी लोग, तो हम इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। वैसे भाभी सेट करके रखती हैं लेकिन उनका बाबू छोटा है तो वो कभी कभी मतलब परेशान करने लगता है, नहीं करने देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में मेरी हेल्प करती रहेंगी। और वैसे भी हम मेरा मन नहीं मानता है, हम यहाँ हो या घर पे हो, हमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहें, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर वेल मेंटेन होनी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर देख सकते हो। आप पहले हमने ऊपर वाली अलमारी अच्छे से सेट कर दी, उसमें स्टील के बर्तन लगे हुए हैं, उसके नीचे वाली में सारी की सारी क्रॉकरीज वगैरह और जो कांच के बर्तन हैं वो लगे हुए हैं। तो हम दोबारा से भाभी को देते जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाभी इनको साफ़ कर करके थोड़ा थोड़ा हमें दो, क्योंकि हल्की हल्की से धूल मिट्टी जम जाती है। और ये हमारे छोटे भाई हैं, ये देख सकते हो आप किस तरह से स्वामी को परेशान कर रहे हैं। तो काम काज चल रहा है और आज एक फ्रेंड की शादी है तो उसमें भी जाना है शाम को, तो वो भी काफ़ी एक्साइटमेंट है वहाँ पे जाने के लिए भी। तो देख सकते हो यहाँ पे भाभी हेल्प कर रही हैं, पर्दे को सही से बांधने में मेरी हेल्प कर रही हैं। और मम्मी भी मना कर रही थी, मम्मी बोल रही थी छोड़ो रहने दो, फालतू में परेशान मत हो, दोबारा से फिर से वैसे के वैसा हो जाएगा। तो वो तो बात सही है लेकिन फिर भी चीज़ों को सेट करते रहना चाहिए। तो देख सकते हो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऊपर से नीचे तक चारों की चारों अलमारियाँ ये हम जब शादी से पहले भी हम ये इसी तरह से लगाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, हमें आदत थी मेरी इसी तरह से सब कुछ सजा के रखना। और खिड़की वगैरह इनके ऊपर जब लगी होती है जो बंद होती हैं वो अगर हो तो इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता है, धूल मिट्टी भी हो जाती है और बहुत जल्दी बिखर भी आता है क्योंकि बच्चे भी सीधे इसी में से बर्तन उठाते हैं जब उन्हें चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा इसको लगा देते हैं ठीक से, और चीज़ें भी ढूंढने से मिल नहीं रही थी तो हमने ये नीचे जो टंकियाँ रखी हैं इनको भी अच्छे से सेट किया और सारा कुछ देख लिया खोल के कि किसमें क्या है, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जब मम्मी कोई चीज़ मांगती हैं तो निकालने के लिए, तो कहीं किसी में कुछ था किसी में कुछ था। तो सारी चीज़ें हमने एक में चावल, एक में दालें सारी की सारी, एक में मसाले वगैरह, एक में खड़े मसाले, इस तरह से डब्बों में टंकियों में सब सेट कर दिए ठीक से। और देखिए एक अलमीरा की पन्नी ख़राब हुई थी, उसके लिए हमने इस पेपर कट किया है पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। बहुत पहले जब हम छोटे ही थे 8-10 साल के, तब हम इस तरह से कट कर करके इन्हीं अलमारियों में बिछाया करते थे। हमारा पूरा बचपन इस घर में ही गुजरा है। तो छोटी वाली बेटी बैठी हुई थी, उसको हम बता रहे थे कि देखो पहले भी हम इसी तरह से बिछाते थे। और यहाँ पे अभी बस काम काज करके सारा कुछ फ्री हो गए हैं हम लोग, बैठे हुए हैं बाहर, मम्मी हैं, हम हैं, भाभी हैं, और हम लोग बस गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग, और शाम हो चुकी है तो थोड़ी देर बाद बस हम लोग तैयार होके निकल जाएंगे शादी के लिए। फ्रेंड की शादी है वहाँ जाना है और बस बातें हो रही हैं। देखिए यहाँ पे 8 बज चुका है और सौम्या मम्मी को एडवाइस कर रही है ये बिंदी लगाओ ये बिंदी लगाओ, मम्मी रेडी होने के मतलब तैयार हो रही है मम्मी। और भाभी भी हंस रही हैं सौम्या की बातें सुन सुन के, ये सबकी हेल्प करती हैं। खुद देखिए हेयर स्टाइल वगैरह अपना बना के रेडी हो चुकी हैं, तैयार हैं, बस इन्हें हम लोग हो चुके हैं रेडी होने के लिए, हम लोग जा रहे हैं शादी में। मम्मी तैयार हो रही है, मम्मी हो चुकी हैं तैयार, बस मम्मी के बाल बांधने बाकी रह गए हैं, अभी हम बांधेंगे बाल मम्मी के और मिलते हैं आपसे शादी में। सौम्या भी तैयार हो गई हैं और बच्चे भी रेडी हैं, बच्चे बाहर हैं। गाइज मेरी साड़ी कैसी लग रही है, इस तरह से बांधने पे कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम इसी तरह से फिर बांधा करेंगे साड़ी। गाइज हम लोग जाने ही वाले हैं, ये लोग देखिए, हाँ ले लिया, ये लोग भी देखिए आ गए, नानी भी तैयार हो गई है, माँ पापा जी भी आ गए, हम लोग चंद ही मिनटों में निकल जाएंगे। भैया शूज पहने हो? ओके, तो सभी लोग बैठ रहे हैं, अपना अपना प्रस्तुत कर रहे हैं गाड़ी में।
मकसद ही देंगे कि हमारी दीदी संध्या दीदी एक्ट हीरो है और एक परी है, टीवी सीरियल में काफ़ी बार आ चुकी, ट्राई कर रही है और बहुत बुरी एक्टर है। और भाभी जी जो दीदी भारती यही है जो कि सबके कैरेक्टर नहीं काटती है और क्या क्या विलन चला गए वो पीछे जो खड़े हैं वो ग्रीन साइड में वो विलन है क्योंकि वो हमें हीरो को भगा के ले गए। और मैं हूँ मॉडल ऐसा राज नहीं है, मैं 14 साल पहले हीरो बन चुका हूँ। वो बीच में कितनी लगी थी चला ब्रीवट बाय तो जी यहाँ पे दुल्हन जो है वो स्टेज पर पहुँच चुकी हैं और टाइम हो गया है, रात का 1 बज चुका है और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे तो हमने इसे प्रॉमिस कर दिया था कि स्टेज पर पहुँचने तक हम लोग रुकेंगे, उसके बाद आशीर्वाद वगैरह जो वहाँ पे स्टेज पे जाके सेल्फी वगैरह साथ में वो सब नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा, बच्चे परेशान कर रहे थे। तो हम लोग निकल आए और देखिए बाहर का ये सब धमाल हो रहा है, बुढ़े लोग बुज़ुर्ग लोग डांस कर रहे हैं और देखिए ये कितना मतलब काफ़ी भीड़ हो गई थी, लगभग मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाया कितनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रोड के एक इस साइड होटल था और एक दूसरी साइड होटल था, वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। और बस हम लोग निकल आए, ये समय है रात का 1:30 बज रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे तो हमने जयमाला नहीं देख पाई, प्रॉमिस किया था उसने बार बार बोला था कि जाना मत, इस वजह से हम लोग तब भी काफ़ी टाइम तक रुके रहे। बट ये देखिए रोड के दूसरी साइड ये भी डांस वगैरह चल रहा है, वहाँ दूसरा ही सिस्टम चल रहा है, इधर जयमाला का सिस्टम और होटल खाना वगैरह सब चल रहा था। काफ़ी अच्छी शादी निपट गई उसकी और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, देख सकते हो अब कितनी भीड़ भाड़ है। एक 1:30 का टाइम हो चुका था गाइस, रात के 1:30 बज चुका था और फिर भी काफ़ी लोग जाने के बाद भी बहुत भीड़ थी और बस हम लोग भी इसके बाद निकल आए घर के लिए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।